हाल ही में एक शख्स यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। वो शख्स तो आप जानते ही हैं कौन है, CR7 यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसने आते साथ ही इतने सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं कि जितनी उनसे उम्मीद भी की जा रही थी। जी हाँ, फुटबॉल की दुनिया के वैसे ही वो किंग हैं और पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो चुका है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं तो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। जी हाँ, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अपने होटल्स भी हैं, एक होटल की बाकायदा कंपनी है उनकी, उनके क्लोथिंग ब्रांड भी हैं, उनके शूज़ ब्रांड भी हैं और इसके साथ साथ उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी मौजूद है। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी दुनिया में पहले ऐसे इंसान हैं जिनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन से ज़ायद फॉलोअर हो चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 4 बच्चे हैं जो कि आप हाल ही में उन्हें जब यूट्यूब बटन मिला तो आप देख सकते थे। एक और रिकॉर्ड ये भी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कि उन्होंने ऐसे यूट्यूबर बनने का इरादा हासिल किया जिसने सिर्फ एक ही दिन में गोल्ड प्ले बटन तक का रिकॉर्ड हासिल कर दिया। वो दुनिया के बाहर यूट्यूबर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 1 मिलियन और फास्टेस्ट 10 मिलियन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जिन यूट्यूबर्स को कई कई साल लगते हैं चीज़ें पूरी करने में, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ 1 दिन में ही पूरा कर दिया। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि काफ़ी मुल्कों में तो टॉप यूट्यूबर्स के भी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं जितने रोनाल्डो ने सिर्फ 1 दिन में अचीव कर लिए। रोनाल्डो के पास सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो जी हाँ, रोनाल्डो ही वो शख्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 138 गोल किए हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास 10 से 12 बड़े अवार्ड, जो कि किसी भी फुटबॉलर के लिए ख्वाब होते हैं, वो भी हासिल कर रखे हैं। 1985 में पैदा होने वाले इस फुटबॉलर के कई चैरिटी फॉर्म भी हैं जहाँ पर ये सामाजिक काम करते हुए भी नज़र आते हैं। इनकी हाइट तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।